हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां आतंकवादी हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिजाब पहनने की मांग करने वाली, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली मुस्लिम लड़कियां देशद्रोही हैं और ये सभी किसी आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष यशपाल सुवर्णा का, जिन्होंने ये दावा किया है कि जिन लड़कियों ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वो सभी लड़कियां देशद्रोही हैं, एक आतंकवादी संगठन की सदस्य है। विवादित बयान देते हुए भाजपा नेता यशपाल सुवर्णा ने कहा है कि लड़कियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो छात्र नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्य है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयान देकर वो विद्वान जजों की अवहेलना कर रही हैं। उनका बयान अदालत की अवमानना है। भाजपा नेता यशपाल सुवर्णा ने आगे कहा कि हमें उनसे देश के लिए क्या उम्मीद करनी चाहिए जब ये छात्र विद्वान जजों के द्वारा दिए गए फैसले को राजनीति से प्रेरित और कानून के खिलाफ कहते हैं। उन्होंने केवल ये सब करके ये साबित किया है कि ये तमाम मुस्लिम लड़कियां जो आज सड़कों पर उतरी हैं वो सब के सब देशद्रोही हैं और आतंकवादी संगठन की सदस्य हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली याचिकाकर्ता छात्राओं को भाजपा के वरिष्ठ नेता यशपाल सुवर्णा ने साफ तौर पर देशद्रोही और आतंकवादी बताया है और ये बताकर उन्होंने अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। मुस्लिम छात्राओं द्वारा लड़ी जा रही इस कानूनी लड़ाई से भाजपा के नेता को इस कदर तकलीफ है कि वो अब इन मुस्लिम बच्चियों को देशद्रोही और आतंकवादी संगठन के सदस्य बताने पर उतर चुके हैं, जबकि देश का संविधान हर एक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। इन सब के बावजूद यशपाल सुवर्णा ने दावा किया है कि अदालत जाने वाली लड़कियां देशद्रोही और एक आतंकवादी संगठन की सदस्य थी। बता दें कि हाई कोर्ट ने हिजाब के समर्थन में इस तर्क को खारिज कर दिया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और जो भी छात्राएं स्कूल में आती हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती। स्कूलों में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। ऐसे में इस फैसले का विरोध करने वाली छात्राओं को भाजपा के वरिष्ठ नेता यशपाल सुवर्णा ने देशद्रोही बता दिया और ये कह दिया कि इन लड़कियों ने सड़कों पर उतरकर ये साबित कर दिया कि वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन की लड़कियां हैं। तो भाजपा नेताओं को सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला, अपनी बात उठाने वाला हर एक शख्स इस देश में देशद्रोही और आतंकवादी ही नजर आता है। भाजपा राज में सड़कों पर उतरने वाले, सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध जाने वाले लोगों को हर बार कुछ ऐसा ही नाम दिया गया है, फिर वो चाहे किसानों का आंदोलन हो या सीए का प्रदर्शन या फिर अब हिजाब की मांग। भाजपाइयों के हिसाब से देश में भगवाधारी, अंधभक्त और चाटुकार पत्रकार की टोली को छोड़कर देश में हर कोई जिहादी, देशद्रोही और आतंकवादी ही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब तमाम मुस्लिम संगठन लड़कियां इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर चुकी हैं। कर्नाटक के तमाम शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने और महिलाओं ने अब कर्नाटक बंद बुलाया है। कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों के साथ साथ वहां के आम लोग भी अब इनके समर्थन में सड़कों पर उतरकर हिजाब के लिए लड़ने वाली लड़कियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ सड़कों पर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे सीधे न्याय की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।